सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ परम्बड़ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे कि भगवान गणेश जी का जो मस्तक काटा गया था शिव जी के द्वारा, तो मस्तक बाद में कहाँ गया था, कि कहाँ पे वो स्थित हुआ था। देखिए, गणेश जी के संबंध में हमारी पौराणिक कथाओं में दो दस्तावेज मिलते हैं। गणेश जी के जन्म पे दो मान्यता है, अलग अलग लोग अलग अलग अपने तर्क देते हैं कि गणेश जी का जन्म किस प्रकार से हुआ था। ये गणेश जी का ये जो स्वरूप है, उनका जो गजमुख है, जो हाथी का मुख, वो विलक्षण उनका रूप है और ये रूप उनका मंगलकारी भी है। प्रथम पूजनीय देवी वो है, उनकी पूजा के बिना कोई भी पूजा आपकी सफल नहीं होती। तो गणेश जी का ये मुख है, उसके ऊपर मुख्य रूप से दो मान्यता है। एक मान्यता के बारे में आपने सुना ही होगा कि भगवान शिव ने उनका मस्तक काट डाला था। दूसरी एक मान्यता हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है, जब माता जगदम्बा ने गणेश जी को जन्म दिया, तब उनके दर्शन के लिए कैलाश पे सभी देवी देवता आए थे, जैसे कि इंद्रदेव, चंद्रदेव, भगवान ब्रह्मा, विष्णु जी, सभी लोग वहां पे उपस्थित थे, सभी देवता। उनके साथ शनिदेव भी आए थे। और शनिदेव की दृष्टि के बारे में आप जानते हैं, जब शनिदेव ने बालक गणेश पर अपनी दृष्टि डाली, तो मान्यताओं के अनुसार उसी क्षण उनका मस्तक धड़ से अलग हो गया था और वो चंद्रमंडल में जाके गिरा था। ये एक मान्यता है, शनिदेव की जो दृष्टिपात है वो गणेश जी पे हुआ, उसके कारण उनका मस्तक धड़ से अलग हो गया। दूसरी कथा ये है कि जब माता जगदम्बा ने अपने शरीर के मैल से गणेश जी का निर्माण किया और उनके ये आज्ञा दी कि जब वे स्नान कर रही हो तब किसी को भी अंदर ना आने दे, तब भगवान शिव वहाँ पे आए थे गणेश जी के साथ, उनका युद्ध होने का भी उल्लेख मिलता है। इंद्रदेव भी आए थे, विष्णु जी भी आए थे और बाद में अंतिम भगवान शंकर आए थे और उन्होंने क्रोध में गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तो वो उनका जो मस्तक काटा गया था वो चंद्रमंडल में जाके गिरा था और चंद्रमंडल में उनका मस्तक स्थित हुआ था, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो गणेश जी पे ये दो मान्यता प्रचलित है कि उनका मस्तक जो है, जो काटा गया था शिव जी के द्वारा, या तो फिर शनिदेव के दृष्टिपात के कारण जो उनका मस्तक अलग हुआ था वो चंद्रमंडल में जाके गिरा था। इसी के कारण जब संकट चतुर्थी होती है, जब गणेश चतुर्थी होती है, तब भगवान गणेश जी की पूजा के साथ साथ चंद्र दर्शन के भी विधान है कि उस दिन आप गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को अर्घ्य दे, गणेश जी के दर्शन करें, चंद्र जी के दर्शन करें और साथ में चंद्र को भी अर्घ्य दे। इसी के कारण चंद्र को अर्ध यानी कि चंद्र दर्शन करने का विधान मिलता है। ये भी एक उसका एक कारण है, क्योंकि उनका जो पूर्वीय मस्तक था वो मस्तक उनका चंद्रमंडल में जाके गिरा था। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।